रिश्ता कराने वाली आंटी ने मेरी अम्मी को मेरे लिए एक रिश्ता बताया। मैं एक डॉक्टर हूँ और हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ। अम्मी को मेरे लिए एक डॉक्टर का रिश्ता ही चाहिए था ताकि जिंदगी आसान गुजरे और मेरी बीवी पढ़ी लिखी हो। पर उस आंटी ने जिस लड़की का रिश्ता बताया वो डॉक्टर तो नहीं थी लेकिन एमफिल कर रही थी। मैंने वालदा से कहा कि चलें देख आते हैं, शायद लड़की अच्छी हो। वालदा कुछ खास मुतमईन नहीं थी, बस मेरे कहने पर चल पड़ी। जब हम लड़की के घर दाखिल हुए तो बड़ा सुकून सा महसूस हुआ मुझे। उनका घर बहुत साफ सुथरा और सलीके से सजा हुआ था। घर में पड़ी एक एक चीज बोल रही थी। घर की औरतों का सलीका पता चल रहा था। जिस तरह से रिश्ते वाली आंटी ने बताया था कि वो बहुत ज्यादा अमीर है, बहुत अमीर तो नहीं लग रहे थे, घर में नॉर्मल सा फर्नीचर था लेकिन घर बहुत करीने से सजा हुआ था। सब लोग गपशप करने लगे और तारुफ कराने लगे, बातें होने लगी और बातों से पता चल रहा था कि वो बहुत अमीर लोग तो नहीं है लेकिन सादा, ईमानदार, खानदानी और इज्जतदार लोग हैं। गपशप के दौरान ही उन्होंने चाय, बिस्किट और बाकी लवाजमात पेश किए, जिनमें घर के बने शामी कबाब भी थे। वो बेहद लजीज थे और उस चाय की दावत में उनका सलीका और किचन में महारत साफ नजर आ रही थी। थोड़ी देर बाद लड़की को बुलाया गया। लड़की जब आई तो बेहद हसीन और नरम मिजाज लग रही थी। उसकी शख्सियत किसी डॉक्टर से कम नहीं लग रही थी। उसके बात करने का सलीका बहुत प्यारा था और लड़की बहुत ही सादा तबीयत और शरीफ मिजाज की लग रही थी। मेरी वालदा ने कुछ देर बात की लड़की से और मजीद कुछ गपशप के बाद हम उठ खड़े हुए और उनसे कहा कि इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको बताएंगे और आप हमारे घर भी तशरीफ लाइएगा। वहां से वापसी पर मेरी वालदा बहुत गुस्से में थी कि मैं खबर लेती हूँ इस रिश्ता करवाने वाली आंटी की, किस तरह की ये बेजोड़ रिश्ते दिखाती है। मेरा बेटा डॉक्टर और अमीर खानदान का, उसके लिए कैसी लड़की दिखा रही है जो ना तो अमीर है ना ही डॉक्टर। मैंने जब ये बात सुनी वालदा की तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा ये क्या बात हुई, जरूरी नहीं कि मैं किसी डॉक्टर से ही शादी करूं और बहुत अमीर कबीर लड़की को अपना हम सफर मुंतखब करूं। मैंने कहा अम्मी, शादी के लिए जो खसूसियात किसी लड़की में होनी चाहिए मुझे वो सब नजर आई उसमें। वो लोग बहुत ही इज्जतदार थे और खानदानी लग रहे थे और सबसे बढ़कर उनके घर में सुकून और सलीका था जो किसी भी इंसान को अपने ससुराल और हम सफर से चाहिए होता है। मैं क्या करूंगा एक डॉक्टर से शादी करके अगर उसमें ये सब सलीका ही नहीं होगा। अम्मी, घर तो औरत के सलीके और ईमानदारी से चलते हैं ना, ना कि किसी डिग्री से। मेरी वालदा ने बहुत बहस की लेकिन मैंने उनको समझाया कि शादी मैंने करनी है तो मेरी रजा भी पूछनी चाहिए। खैर, बहुत समझाने के बाद, बहुत सोच विचार के बाद आखिर मेरा उस घर में रिश्ता हो ही गया और मैं बहुत खुश था। तकरीबन 6 माह बाद मेरी शादी हो गई और आज तकरीबन 10 साल हो गए हैं मेरी शादी को। हमारे 2 बच्चे हैं और मैं अपनी बीवी के साथ बहुत खुश हूँ। मुझे अपनी बीवी और बच्चों से बहुत प्यार है और शायद यही सलीका है मेरी बीवी का कि उसने मेरे खानदान को बहुत अच्छे से संभाला हुआ है। और मेरी वालदा जो इस रिश्ते से राजी नहीं थी वो भी आज अपनी बहू का सलीका और खुलूस देख कर मुतमईन है। दोस्तों, शादी करने के लिए जो खूबियाँ देखनी चाहिए हम वो तो देखते नहीं और अमीरी, गरीबी, डिग्री, शक्लो सूरत जरूर देखते हैं। इसलिए बेहतर यही होता है कि अच्छे, इज्जतदार और शरीफ लोगों में रिश्ता करो, ना कि अमीरों और तालीम याफ्ता लोगों को ढूंढते रहो।